टेरिटरी में टिके रहने की। ये जो पिछले हफ्ते पूरा शेकआउट देखने को मिला मिड और स्मॉल कैप्स में, और शायद स्ट्रेस टेस्ट बहाना था या कारण था, ये पेन पूरा हो चुका है या फिर कुछ और इस तरह के झटके आगे लग सकते हैं, आपका क्या सेंस है? अच्छा गुड आफ्टरनून। देखिए, जो सफाई अभियान शुरू हुआ था पिछले 2 हफ्ते पहले, पहले तो धीरे धीरे हुआ, पहले 1-2 दिन हमने देखा ठीक ठाक, थोड़ी सी जो कटौती आई स्मॉल कैप मिड कैप इंडिसेज में, उसके बाद 1-2 भारी दिन भी देखे जब अच्छी खासी जो फ्रॉथ है उसको सेटल किया मार्केट ने। तो मार्केट ये एक जिसको कहते हैं ना सेल्फ फुलफिलिंग, उस पर चलता है कि भाई अपने आप को एक्सेसेस को कहीं ना कहीं काटने की कोशिश होती है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जब ग्रीड की तरफ मार्केट चला जाए तो वहां से उसको फियर पे ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं रुझान बैलेंस होना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है अभी भी वॉलिटिलिटी रहेगी, लेकिन जो आपने देखा होगा कि जहां पे फ्रॉड थी या जो बहुत ही छोटी कंपनीज थी जहां वैल्यूएशन सपोर्ट नहीं कर रहा था, उनके प्राइसेस में आपको कटौती हुई है, लेकिन फिर भी ये 30% 35% के घूम रहे हैं सारे, बहुत सारे एक्सेल शीट के चार्ट्स की फला वाला कंपनी अपने 52 हाई से 30% नीचे है, कोई 35 नीचे, लेकिन ये पिछले 1 साल में 2-2.5 गुने भी हो चुकी है। तो उनके जब भाव इतने ऊपर गए हैं और 30% नीचे आए, तो कोई ऐसी बात नहीं कि कोई बहुत वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, जो बहुत ओवर प्राइस चीजें लग रही थी, वहां पे ही आपको देखा है आपने कोई फॉलो थ्रू बाइंग नहीं आई है। लेकिन अच्छी कंपनी में जैसे ही थोड़ी सी गिरावट आती है पैसा वापस लग जाता है, कहीं ना कहीं लोग वेट कर रहे होते हैं अच्छे लेवल्स की, बिजनेस अच्छा है, वैल्यूएशन ठीक ठाक आ गए, लिक्विडिटी मिल गई आपको, तो कई फैक्टर्स है और उसका समावेश ये है इन सब चीजों में प्राइसेस में कि अभी भी वॉलिटिलिटी रहेगी, बट गिरावट मैं तो नहीं समझता। मैं तो मुझे तो दिख रहा है कि निफ्टी की जो कंपनीज है जिस टाइप की उसमें परफॉर्मेंस आनी बाकी है अर्चना, और खास करके जो बड़े पॉकेट्स बैंक्स हो गया आईटी हो गया, अगर ये सब चलने लगते हैं तो निफ्टी तो शायद 23,000 साढ़े 23,000 भी पहुंच जाएगी। सो और वो बहुत समय ज्यादा लगेगा भी नहीं, बट छोटी कंपनीज मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज और खास करके जो हजार पहली टॉप 1000 कंपनी के नीचे वाली जो सूची है वहां पे थोड़ा सा संभलना चाहिए लोगों को, और ये ना उम्मीद करें कि भाई मार्केट ऊपर चल रही है निफ्टी न्यू हाई बना रही है तो हमारा पोर्टफोलियो भी नया हाई पे आएगा। तो पोर्टफोलियो का बिहेवियर और निफ्टी का बिहेवियर प्लीज उसको समझिए कि ये बिल्कुल कोरिलेटेड नहीं है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी की कंपनी वाली वेटेज शायद 5-8% से ज्यादा होगी नहीं। सो इस वजह से थोड़ा सा लोगों को समझना जरूरी है और एडवाइजर की हेल्प लेके अपने आप को थोड़ा सा संभाल लेवा। अब मैं वही पूछने वाली थी, क्योंकि मुझे याद है बीच में जब इंडेक्स में बड़े मूव्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग पिछले साल मिड ईयर कंप्लेन कर रहे थे हमारे पोर्टफोलियो में तो कुछ एक्शन आया ही नहीं, लेकिन जब एक्शन आया अच्छे रिटर्न्स बने और उसके बाद ये दौर है ऊपर नीचे होते रहेगा, इस समय फिर अगर मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 8-10% हैवी वेट्स है, क्या मैं अपने पोर्टफोलियो में उनकी मात्रा बढ़ाऊं कॉन्शियसली? मिड और स्मॉल कैप्स में जो पैसा है वो शायद बने रहने दे, लेकिन जो नया पैसा लग रहा है वो दिग्गजों में ही लगाना है इस समय फिर प्रकाश? नो एब्सोल्युटली। देखिए वहां पे जो रनअप है, आज हम निफ्टी का ही एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी 22,000 पे अगर घूम रही है, अगले साल की अर्निंग्स 1,100 रुपए ईपीएस मतलब अनुमान ज्यादातर सब एनालिस्ट का है, तो आपको तो ये 20 टाइम पी पे मिल रही है। सो FY25 के नतीजों के हिसाब से, अनुमान के हिसाब से भी, अर्निंग्स के हिसाब से आप 20 टाइम निफ्टी पे ही है, तो कोई 20 टाइम निफ्टी कोई बहुत महंगी तो नहीं गिनी जाती, क्योंकि 18 से 23 के बीच में तो ऐसे ही ये कायम रहता है इसका जो बैंड है। तो मुझे ये समझ आ रही है कि निफ्टी में ये अनसर्टेनिटी या एक जो इवेंट है इलेक्शन का, एक आउटकम का, वो जैसे ही पार होगा आपको एक अलग टाइप की लिक्विडिटी फ्लो दिखेगा जो इंटरनेशनल मार्केट से है। और आप आज एक चीज हुई है छोटी सी, और आपने बहुत बढ़िया डिस्कशन आपने वीरो ने जो किया ईवीज पे जो इस शो से पहले, उसमें एक चीज हमको पकड़नी है कि चाइना प्लस वन का ये सबसे बड़ा सबसे ऊंचाई वाली वो चरण पे हम पहुंचे हैं। चाइना में टेस्ला ने सबसे ज्यादा अपना प्रोडक्शन बेस रखा है, अब उसको अलावा अगर वो हिंदुस्तान आता है तो ये जो मैसेजिंग है जो ग्लोबली जो जाएगी कि टेस्ला ने चाइना में इतना बड़ा प्लांट होते हुए भी इंडिया को चुना है, अगर इंडिया का चयन किया गया और उसमें निवेश हो रहा है, मॉडल्स बन रहे हैं और यहाँ से ग्लोबली भी बिकेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट के लिए तो बता नहीं रहे, अब इंडियन मार्केट तो छोटा सा ही है, 25 लाख के ऊपर की गाड़ियां तो ऐसे ही 3% से नीचे बिकती हैं। सो हमारे यहाँ का मार्केट से ज्यादा ये ग्लोबल सेटअप हो जाएगा, और उसको देखते हुए मुझे समझ आ रही है कि आगे चल के इंडिया की जो जो अट्रैक्टिवनेस है
जो इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से, उसमें आपको कोई कहीं भी कोई वो नहीं दिखेगी, कमी नहीं दिखेगी, और उस लिहाज से तो निफ्टी अभी कहीं ज्यादा ऊपर है भी नहीं। आपका जवाब, सवाल का जवाब यह है कि जो हैवी वेट्स आपको लेने हैं, आप बेशक निफ्टी की कंपनी ना लीजिए, लेकिन निफ्टी के बाद भी बहुत अच्छी कंपनी है, जो टॉप 200 250 कंपनीज है, या इवन आप थोड़ा सा मिड कैप की तरफ झुकाव रखते हैं, अच्छी क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स वाली कंपनी लीजिए, जो थोड़ी सी रेजिलियंट है, जिनके बिजनेस मॉडल बड़े वेल एस्टैब्लिश है। ये नहीं कि इनको आए हुए 6 महीना हुआ है और ये 40 के बी पे मिल रहे हैं और 40 का 60 हो जाएगा इसलिए हम ले रहे हैं। यू नो, ये जो माहौल बना हुआ है मार्केट में बिना कोई ट्रैक रिकॉर्ड के कंपनीज को 3 PE हाई जो मिल रही है वो लो फ्लोट की वजह से है, तो वो सब करेक्शन तो वहां आ रहा है। बाकी तो अच्छी कंपनीज में तो मुझे जिनकी हम वेट कर रहे हैं उसमें तो भाव अच्छे दिख ही नहीं रहे अभी तक लेने के। अच्छा प्रकाश सर, सिर्फ ईवी पे ही रहते हुए, इसी विषय पे मौजूद रहते हुए, स्पेशली मारुति पर आपका व्यू क्या बन रहा है? देखिए मारुति ने अच्छा परफॉर्म किया इस बार, लेकिन वो जो करिश्माई पारी M&M ने खेली पोस्ट कोविड, आई थिंक अपने 3 प्रोडक्ट्स के जरिए, स्पेशली 2 प्रोडक्ट्स के जरिए, XUV700 के जरिए, स्कॉर्पियो N के जरिए, ग्रैंड विटारा वो काम कर रही है, इन्वेक्टो वो काम कर रही है, बट इनका अभी तक ईवी में सिर्फ एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है, आई थिंक ग्रैंड विटारा या फिर इन्वेक्टो। आपका व्यू क्या बन रहा है, आई मीन ईवी फॉर मारुति, और मारुति का प्राइस टारगेट, मारुति की प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको इस वक्त? देखिए वीरू, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन है और मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। 2 लोगों की शादी हुई, उसमें से एक बहुत ही बढ़िया उम्दा खाना बनाने की क्षमता रखता था, और अब वो शादी के बाद कुछ टाइम लगा और इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम रेस्टोरेंट खोलेंगे और ये आप बहुत अच्छा खाना पकाते हो, हम बहुत अच्छी तरह इसको बेच सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, तो हम ये जो जो इस टाइप का जो क्या बोलते हैं जो कॉम्बिनेशन है इसका इस्तेमाल करके बहुत इफेक्टिवली हम लोग एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। मारुति और टोयोटा ने यही किया। हाइब्रिड्स में टोयोटा की ग्लोबल मास्टरी है, मारुति की हिंदुस्तान में समझ है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, आफ्टर सेल सर्विस एलिमेंट है। इन्होंने जब हाइब्रिड का पहली बार, आपने देखा होगा पहले इनका जब साझेदारी शुरू हुई तो बलेनो से हुई, बलेनो में कोई हाइब्रिड नहीं आया, उसके बाद इन्होंने धीरे से करके ग्रैंड वितारा इंट्रोड्यूस की, जो हाई क्रॉस और ग्रैंड वितारा का जो इक्विवेलेंट मॉडलिंग है, और सेम वे इन्वेक्टो और हाई राइडर का किया है, और अब ये दूसरे मॉडल्स पे करेंगे। सो हो क्या रहा है कि इन्होंने पायलटिंग पहले किया, उस साझेदारी को पकाया, समझा एक दूसरे को, और अब वो हाइब्रिड लॉन्च कर रहे हैं। मारुति के लिए बहुत क्लियर है स्ट्रैटेजी, ईवी को बाईपास करके उन्होंने हाइब्रिड पे फोकस करना शुरू किया, क्योंकि अगले कुछ साल में जब ईवी में लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे, और आपको बता दूं ईवी के इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत चिंताएं हैं। सारी ग्लोबल प्लेयर्स जो इंडिया में आए हैं वो सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं कि भाई कैसा रहेगा मार्केट, लेकिन ग्लोबल ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप होने दीजिए। तो ये जो मेहनत लगेगी, जो एफर्ट लगेगा इसको डेवलप करने में, उसमें समय भी काफी लगेगा, कैपिटल भी बहुत लगेगी, तब तक हाइब्रिड्स आपको बहुत अच्छी तरह वो करेंगे। ग्रैंड वितारा क्यों बिक रही है? इतनी अच्छी माइलेज, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतनी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस, एंड फिर भी अफोर्डेबिलिटी, तो ये सब देखते हुए मुझे नहीं लगता मारुति को कहीं आ जाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ पैंडेमिक के बाद जो महिंद्रा ने एक एक पहल की एसयूवी को लेके, वहां वो थोड़े पीछे थे, अब उन्होंने ये कहा कि हम एसयूवी का मार्केट शेयर हमारा 25% कर देंगे, 11% था, आज ऑलरेडी 13.5% पे है। सो धीरे धीरे नए मॉडल जैसे जैसे आएंगे, इट विल टेक टाइम, बट एसयूवीज में भी वो प्रेजेंट रहेंगे। हाइब्रिड्स को बहुत अच्छी तरह डीप करेंगे मार्केट को, सेगमेंट को, आई डोंट थिंक एनी वरी। और मारुति तो हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ, ग्लोबल स्ट्रेंथ भी है, जो जिसको अभी तक हमने नए मॉडल के इंट्रोडक्शन से नहीं देखा, बट बहुत कुछ है जिसमें हो सकता है। सो आई एम नॉट वरीड, थोड़ा बहुत शेयर ढीला ढाला चला है, बट अब जो 11,000 के पार जो आना शुरू हुआ है उसके बाद थोड़े से इसमें भी वापस एक पॉजिटिव रुझान जो है थोड़ा सा मीडियम लॉन्ग टर्म में बनता हुआ दिखेगा। ओके अच्छा प्रकाश जी, बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जो कि हिस्टोरिकली, मतलब जब से हम बाजार को देख रहे हैं, स्पेशली आई थिंक 2008-09 से एक बड़े अच्छे वेल्थ क्रिएटर रहे, फॉर इंस्टेंस एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स स्पेशली जब से ग्रासिम ने इस आई थिंक इस सेक्टर में एंट्री की है, इस इंडस्ट्री में प्रेशर में रहा है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी रेंज में, इतने लंबे कंसोलिडेशन में, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अक्टूबर 2021 से लेकर मतलब आज की डेट तक इतना लंबा कंसोलिडेशन साइडवेज सेलेक्टिव नेगेटिव बायस एशियन पेंट्स की करियर में अब तक नहीं हुआ है।
एशियन पेंट्स स्पेशली जब ऐसे वक्त में जब पिडिलाइट ने बहुत स्ट्रांग मूव दिया, एस्टेल ने बहुत स्ट्रांग मूव दिया, इसका पीछे आना, बैकफुट पे आना कितना खल रहा है, और क्या ये इस वक्त एक्युमुलेशन और एडिशन जोन में है क्या? एब्सोल्युटली, आपने ऐसे स्टॉक की बात की है वीरू जो फंड, अच्छे अच्छे फंड मैनेजर बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एशियन पेंट्स को कोई हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल फंड मैनेजर ना समझे ऐसा है नहीं, इसकी बारीकी सबको पता है, सब इससे वाकिफ है। वेट सब ये कर रहे थे कि बिरला ओपस का लॉन्च जो होता है तो उस क्या प्राइसिंग में आएगा, किस प्रोडक्ट रेंज में आएगा, कितनी बड़े बोलबाले से आएगा। अब वो सब चीज आपके सामने आ गई है, उसके बाद ये समझ आ रहा है कि बिरला ओपस यस विल बी अ वेरी गुड सेकंड, मतलब लीडर नहीं तो एटलीस्ट नंबर टू प्लेयर बन सकता है, लेकिन उसको समय लगेगा। उनके पास सब कुछ है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कैपिटल है, 5 प्लांट शुरू कर रहे हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एशियन पेंट्स तो अपने हाथ में हाथ धरा बैठा रहेगा ये भी मुमकिन नहीं है। सो जो सेगमेंट्स जिसमें एशियन पेंट्स है उसमें ग्राजिम को वापस आना, एक वो करना, अभी प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस लाना, तो ये तो बहुत चीजें समय वाली है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो एशियन पेंट्स में बिल्डअप आपको शुरू हो जाएगा, एक आध दो क्वार्टर की बात है अगर अच्छे नंबर आने शुरू हो गए। और रिमेंबर मार्केट इतना बड़ा है वीरू कि एशियन पेंट्स और ग्राजिम दोनों ही अगर पूरी अपनी क्षमता से भी काम करें, फिर भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो कंजम्पशन है पेंट पर कैपिटा, जिसको कंपेयर करें आप कोई भी और डेवलपिंग नेशन से, बहुत ही कम है। तो मतलब चाइना से हम लोग 1/10 हैं, यूरोप के कई मार्केट से हम लोग 1/18 हैं। तो मतलब अभी तो गुंजाइश इतनी है कि लोग 10 साल में एक बार पेंट अपना दीवारों का करते हैं, वो अगर आप सोचिए 3 साल में करने लगे तो क्या होगा। सो जैसे जैसे डिस्क्रिशनरी स्पेंड, होम इम्प्रूवमेंट स्पेंड बढ़ेंगे, और रियल एस्टेट में तो कहीं स्लो डाउन दिख ही नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि एशियन पेंट्स इज डेफिनेटली इन द वैल्यू जोन। हाँ, बट उसमें टाइम करेक्शन और थोड़ा रह सकता है, क्योंकि ग्राजिम को आने में जो लोग समय दे रहे हैं, समझने में समय दे रहे हैं, उस वजह से उस लिहाज से थोड़ा सा ठंडा है। बट आई डोंट थिंक यहाँ से कोई और इसमें रिस्क रिवॉर्ड, अभी मैं जो बड़े कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ऐसी कंपनीज आपको निफ्टी ऑल टाइम हाई पे मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी अट्रैक्टिवनेस कितनी। मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ मेटल कंपनियों पर, और आज जिस तरह से ये स्टील कंपनियों में तेजी देखने को मिली, जैसे कल स्टॉक्स में पैसे लगाने का मौका ही नहीं मिलेगा। टाटा स्टील, JSPL, JSW सब 5-5, 6-6% ऊपर है। क्या बदल रहा है यहाँ पर प्रकाश? आई थिंक अच्छा, देखिए हमारे एक जो मार्केट ने पॉज लिया था वो कोई फंडामेंटल्स पे नहीं था, वो एक टेक्निकल कारण से था, ओवर प्राइसिंग की वजह से था, लिक्विडिटी फ्लोज की वजह से था, पॉकेट्स ऑफ जिसको कहते हैं ना फ्रॉथ, उसकी वजह से था। और उसमें रेगुलेटर्स ने सही काम किया, समय से किया, एक 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 आपको वो याद कराया कि इस टाइप की फ्रॉथ मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती, आगे चल के बढ़ जाएगी, ये बबल बढ़ेगा तो और सिस्टमिक रिस्क होगा। लेकिन फंडामेंटली क्या हुआ, हमारी GDP पे कोई असर पड़ा नहीं, हमारे इस पे इंटरेस्ट रेट्स पे कोई असर पड़ा नहीं, इन्फ्लेशन के नंबर्स खराब हुए बिल्कुल नहीं। तो फंडामेंटली तो सब कुछ ठीक थी, और उसके ऊपर उसके बाद जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने कुछ टाइम पहले, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले कुछ एक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने अगले 5 साल का एक ब्लूप्रिंट सा शेयर किया कि ये हम नई सरकार बनाने के बाद हमारा ये वो रहेगा, जो जिसको कहते हैं डेवलपमेंट प्लान। उसका जो सारा उन्होंने खुलासा किया है और जिस टाइप से एक्सप्लेन किया है, उससे साफ जाहिर है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, रेलवे, कहीं भी कोई स्लो डाउन नहीं देख सकेंगे। तो अगर स्लो डाउन नहीं है और इंटरेस्ट कॉस्ट अगले 5 साल में आज है उससे कम होंगे, तो आप सोचिए कैपिटल फॉर्मेशन कितना होगा। और जब जब ये होता है तो स्टील, सीमेंट, ये सब चीजें जो कोर सेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमेशा चलते हैं, पहले चलते हैं। और एक चीज याद रखिए कि चीन में जो क्षमता थी, विश्व भर में जो क्षमता थी चीन को हटा के, उससे ज्यादा चीन में थी। अब हम लोग बहुत बढ़िया एक सेकंड स्पॉट में आ गए, और हमारी कई कंपनीज के प्रेजेंस यूरोप में भी है, हिंदुस्तान में भी है, अलग अलग प्रोडक्ट मिक्स में है, हर टाइप के स्टील में है। पहले तो हम बहुत सब निर्यात करते थे, अब वो भी नहीं करते। तो द पॉइंट इज कि स्टील कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इतने दिनों में, इतने सालों में, और जो डीलेवरेजिंग हुई है, बैलेंस शीट का हुलिया एकदम से बदल गया, सब डेट फ्री बैठे हुए हैं, ये जो साइकिल अब आपको दिखेगा उसका ये एडवांटेज लेने की बात है। बट हाँ, आज सब कुछ हो जाएगा ये मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, लेकिन मार्केट सेक्टर रोटेशन ढूंढ रहा है, मार्केट ये ढूंढ रहा है कि अगर निफ्टी को 23,000 के ऊपर पार जाना है तो कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से प्लेयर्स हैं जिसमें वेटेज चाहे आज ना हो लेकिन प्राइस मूवमेंट आ सकती है। तो आज आप
पहले फार्मा देखा, बीच में हमने आईटी देखा, आज स्टील है, हो सकता है एक दिन ऑटो था, कल को हाइड्रोकार्बन आ जाए। तो ये चीज चलती रही, उससे डोंट गेट कैरिड अवे, बट आई थिंक यस फंडामेंटली काफी चीजें क्लियर हो रही है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव फॉर ऑल दीस कंपनीज। शुक्रिया प्रकाश हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पर। माय माय कल प्लेजर। थोड़ी सी चर्निंग जारी रहेगी एंड होपफुली